आज 23 फरवरी 2020 है। मैं तैयारी कर रहा हूँ अभी MTB न्योकुम युलो चैलेंज सेपातु चैंगता जो 81 किलोमीटर के लिए पार्टिसिपेट करने जा रहा हूँ न्योकुम को प्रमोट के लिए। चैंगता जो वी आर कमिंग MTB चैलेंज कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने जा रहा हूँ। 81 किलोमीटर का मामला है। स्टार्ट फ्रॉम सेपा टाउन से चैंगताजो की ओर न्योकुम को प्रमोटिंग के लिए। आजकल वैसे भी बहुत ज़्यादा रिलीजियस के बहुत से ज़्यादा मामले आ रहे हैं, जो अपने कल्चर ट्रेडिशन को भी अपोज करने वाले भी ऐसे लोग आ गए हैं। इसलिए बींग इंटेलेक्चुअल और एजुकेटेड वन कि हम एक आपस में मोटिवेट देना चाहिए हैं। इसलिए हॉर्टिकल्चर आते हो निजे मनाए लोकल प्रोडक्ट है ऑरेंज और रीजनेबल दाम है। एक पैकेट 100 रुपया का है। जब से ट्रांस अरुणाचल हाईवे बिछाए हैं ऐसे लोकल प्रोडक्ट की बहुत सेलिंग और बस्ती के औरतें और लोगों को जो बस्ती में रहते हैं उसको एक अच्छा मौका भी। और एवरीवन प्लीज़ इंजॉय न्योकुम 2020। न्योकुम इज़ फॉर एवरी वन, नॉट फॉर एनी सिंगल कम्युनिटी। इज़ फॉर ह्यूमन बींग एंड फॉर योर गुड हेल्थ एंड फॉर द प्रॉस्पेरिटी। सो एवरी वन शुड इंजॉय न्योकुम। विश यू ए वेरी हैप्पी न्योकुम। और कल हमारा कंपटीशन है 25 को। आज हम लोग थोड़ा वार्म अप राइड करने जा रहा है रिचा विलेज के लिए। बहुत चढ़ाई है। ये कुमार जामा है, ये पहली बार ये रिचा विलेज में। इन लोग भी बहुत बार हमारे अरुणाचल व्हाट्सएप ग्रुप है साइकिलिस्ट, वहाँ में देखते हैं ये रिचा विलेज के बारे में। इन लोग को भी एक क्यूरियोसिटी था आज इसको ट्राई करने के लिए। ये यू टर्न जो इससे आप अंदाज हो सकते हैं इसका ग्रेडियंट कितना है, कितना हाइट है, कितना ये रफ है। देख ये यहाँ से डायरेक्ट उठ के सीधी है। ये रिचा विलेज का चढ़ाई भी हम लोग न्यू राइडर्स के लिए बहुत फेमस है, और आप जैसे प्रोफेशनल राइडर्स के लिए तो ये उतना खास नहीं होना चाहिए। फिर भी ये बहुत अच्छा। आपका क्या एक्सपीरियंस है? जस्ट MTB हिमालय से भी साइड टॉप जैसे लग रहे हैं सर। हाँ क्या अरिबा सर, ऐसा सही है वापस जाने से ना? और आगे जाना है क्या? जा सकता है जी। कंपटीशन के लिए कुछ होप है क्या? तो कल के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक न्योकुम चैंगताजो के लिए। थैंक यू, हैप्पी न्योकुम। वाइल कमिंग बैक फ्रॉम वार्म अप राइड टू रिचा विलेज वी हैड पार्टिसिपेटेड पाकुति न्योकुम। हमारा साइक्लिस्ट शॉर्टपुट में भाग ले रहे हैं पाकुति न्योकुम तर्जुम दे रहे। अभी अभी न्योकुम लापुंग से वापस आया। घड़ी में 2:56 AM है। तो मैं लास्ट नाइट एक्चुअली जल्दी सोने के लिए ट्राई किया था। मैं बिस्तर में 10:40 को मैं बिस्तर में लेट गया था, लेकिन तभी से मेरा बिल्कुल नींद ही नहीं है। तो कल फिर 7 बजे को मेरा साइकिल MTB कंपटीशन है चैंगताजो की ओर से। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्यों नींद नहीं आ रहा है अभी भी। सतगुरु का वीडियो देखा कि कैसे हाउ टू गेट फर्स्ट स्लीप, तो उन्होंने सजेशन कुछ कुछ दिया। उसी में से एक मुझे ये अच्छा लगा कि नहा के सोने के लिए। तब मैं जाके 5-6 मिनट में मैंने नहाया, फिर मैं बिस्तर में लेटा, फिर भी नींद नहीं आ रहा है। कल सुबह तक अगर नींद नहीं आया, मेरे पास टाइम नहीं है। अभी करीब अभी 3 बज गए हैं, ये 7 बजे से है रेसिंग जो, तो मेरा पास टाइम नहीं है। तो मैं अगर नहीं भी सो पाएंगे तो तब भी मैं साइकिल राइड करूँगा।
मैं स्पॉट में 6:30 बजे पहुंचा और ठीक 7 बजे को ऑनरेबल एमएलए तपुक्ता को फ्लैग ऑफ कर दिया। हाँ, सुबह 7 बजे को सेपा से फ्लैग ऑफ किया है ऑनरेबल एमएलए ने, एमएलए जी। तो अभी रीगा कैंप पहुंच गया है, तो अभी घड़ी मेरा 8:45 है। तो रीगा कैंप जो करीब सेपा से समवेयर 25 किलोमीटर है, 20-30 के बीच में होगा। मेरे पीछे में आउट ऑफ 16 कंपटीटर में मेरे पीछे में अभी 6 साइक्लिस्ट है, और मैं यहाँ 7th नंबर में है। बहुत थक रहा है, पता नहीं टाइम था जो कम से कम अभी भी 70 किलोमीटर जैसे होगा। देखते हैं क्या होता है, टाइम तो बहुत है अभी भी, लेकिन एनर्जी राउंड आउट हो रहा है। ये देख सकते हैं रीगा कैंप, मेरा सेल्फी मोड में वीडियो में ले रहे हैं। रीगा कैंप है, बच्चा लोग अला ए एक्चुअली रात में भी इतना ज़्यादा सोया नहीं था, मैं 3:30 बजे तक जागा रहा, इसलिए मेरे पास एनर्जी ज़्यादा नहीं है। अभी यहाँ फीडिंग पॉइंट है, यहाँ कुछ हमारे वॉलेंटियर लोग हैं, बहन लोग भाई लोग फीडिंग कर रहे हैं। यहाँ से करीब 25 किलोमीटर एबव है जो एंड है चैंग का जो, तो यहाँ से पूरा चढ़ाई है, ग्रेडियंट बहुत टाफ है, फिर भी ट्राई करेगा। मैंने सोचा ये दमदेले हैं, तो ये दमदेले नहीं, ये मर्जिंगले है, मर्जिंगले के बाद दमदेले हैं। मैं अपने आप को बेस्ट ऑफ लक बोल रहा हूँ। तो देखते हैं ये चढ़ाई में कैसा होगा। कौन आला चेहो नहीं दो दिन पा रहा है। सात बजे से 11:14 यहाँ बुरी बुरा दोनों बहुत लेट ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। बहुत जोर से तुम कंटिन्यू करेगा ना गाड़ी में, अभी जाएगा कंटिन्यू करेगा। ओ ठीक है, तो तब तो हौसला बनाए रखो। मैकडोनल्ड ना शिलोंग से ना, ठीक। अभी मैं दोमदिला ताजो का जस्ट थोड़ा सा नीचे में है, 1-2 किलो जैसे, तो बहुत चढ़ाई है। यहाँ अभी 12 बज गया, मेरे पीछे में जो लोग है वो वहीं में है, और एक हमसे जो आगे था मैं उसे पार कर आधे मूरे। मेरा साइकिल का नंबर 8 है। ये रहा फिनिशिंग।